Good morning, good afternoon, good evening to all of you. In the previous video, I have discussed double displacement reaction. Before that, I discussed simple displacement reaction, that is only displacement reaction. Now I'm going to discuss oxidation and reduction reactions. This is also called redox reactions. This is an important and tough topic. So please try to understand. First of all, we understand oxidation. ऑक्सीडेशन इसको क्या बोल रहे हैं? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन से मतलब ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैंने बोला ऑक्सीडेशन. दूसरा इसका हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी बोला ऑक्सीडेशन. तीसरा याद रखना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी बोला हमने ऑक्सीडेशन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, इसमें होता है, इसको कैसे याद रखेंगे? इसके लिए वर्ड एक यूज रखना है आपको, ओले. ओले वही है जो बारिश में गिरते हैं व्हाइट व्हाइट, तो उस ओले से हमें ऑक्सीडेशन को पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना. किसी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है इसका मतलब वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है. इलेक्ट्रॉन का निकलना मतलब जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है. इसी तरह से हम रिडक्शन को समझेंगे कि रिडक्शन क्या होता है. इसका जस्ट अपोजिट है. अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है ऑक्सीडेशन, तो यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को बोला जाएगा रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे बोला जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरह से समझा जाएगा. तो इसको एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाते हैं. जैसे कि कॉपर लिया है, अब इसको इतना लिखा है पूरा, इसको बीच में हम लिख रहे हैं रिएक्शन लिख रहे हैं. कॉपर लिया है, ये हमारा कोई मेटल है, कोई भी मेटल ले सकते हैं. हमने यहाँ पर कॉपर लिया है, तो कॉपर का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है. अगर इसकी रिएक्शन डायरेक्टली एयर कराते हैं या एरियल ऑक्सीडाइज होता है, तो जो एयर से रिएक्शन करके CuO बना लेता है कॉपर ऑक्साइड, और इसका भी कलर याद रखना है ब्लैक कलर का होता है. ये कलर इसलिए याद रखना है क्योंकि जो NCERT में क्वेश्चन दिए गए होते हैं, ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इसका कलर था ब्राउन, इसका हो गया ब्लैक कलर. तो बैलेंस भी इसको किया जाएगा, तो यहाँ पे टू कर दिया, यहाँ पे टू कर दिया, तो ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई. तो अब इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा सब्सटेंस जो है हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस हमारा रिड्यूस हो रहा है. तो यहां पे देखेंगे कि कॉपर था हमारा, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, ये कॉपर से कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज है. तो इसका क्या हो रहा है हमारा, इसको देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है. जब भी कोई एलिमेंट अकेले लिखा होता है, जब भी कोई एलिमेंट अकेले लिखा होता है, यहां पर इसका ऑक्सीडाइज हो गया है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया है. लेकिन जब भी कोई सब्सटेंस अकेले लिखा होता है लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कोई भी सब्सटेंस अकेले लिखा होता है, तो जनरली उसका रिडक्शन होता है, जो कि हमें समझ में नहीं आता, इसलिए रिएक्शन को लिखा मैंने यहाँ पे. इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन भी होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है. ऐसा किस लिए हो रहा है, जरा आप इसको समझिए. ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा. यानी कि अगर कोई भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, तो उसी केमिकल रिएक्शन दूसरा लेने वाला भी होना चाहिए, तभी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है. ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि अगर आपको दान करना है, दान करने के लिए या तो कहीं मंदिर में दान पात्र रखा होना चाहिए, नहीं तो एक भिखारी बेगर वगैरह होना चाहिए, तभी दान कर सकते हैं. अगर आप रुपए देने के लिए तैयार हैं, तो बेगर जो है भिखारी दो लेने के लिए भी तैयार हो, तभी दोनों तरफ से कॉम्बिनेशन होगा,
अगर वो देने के लिए तैयार, अगर वो लेने के लिए तैयार नहीं है तो आपका दान कोई मायने नहीं रखता। अगर आपने रुपए कहीं फेंक दिए तो वो आपका दान में काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है तो उसी में रिडक्शन भी होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या सभी रिएक्शन है क्या रिडॉक्स रिएक्शन होती है? कुछ रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती। जैसे कि आपने डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ी, उसमें दोनों एक दूसरे के पोजीशन को चेंज कर देते हैं, इसलिए वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का बिल्कुल भी टाइप नहीं है। तो इसमें क्या याद रखना है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है, जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज्ड बोला जाता है, ये ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको रिड्यूस्ड बोला जाता है, रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। जो रिड्यूस्ड होता है ये ऑक्सीडेंट का काम करता है, ऑक्सीडेंट इसको बोला जाता है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको बोला जाता है जो रिड्यूस्ड होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या फिर इसको रिडक्टेंट बोलते हैं। ये याद रखना है, इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइज सबसे पूछा जाएगा तो ये, रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाएगा तो भी ये, रिडक्शन पूछा जाएगा या रिड्यूस सब्सटेंस पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन केवल इसको लिखा जाता है। इसके आगे जो एक कोफिशिएंट होते हैं इसको भी मेंशन नहीं किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है और जो रिड्यूस सब्सटेंस है ये केवल लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट ही लिए जाते हैं, प्रोडक्ट नहीं लिए जाते हैं। प्रोडक्ट केवल इससे बनते हैं, जब ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है तब ये बना है, ये रिड्यूस हुआ तो भी यही बना है, वो बात अलग है। लेकिन प्रोडक्ट को हम ऑक्सीडाइज और रिड्यूस सब्सटेंस में नहीं लेते हैं। तो इस जैसे कि कॉपर ब्लैक बन गया, तो कॉपर ब्लैक करने के बाद तो ये आप इतना समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये बताया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका उल्टा बताया, रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये बताया रिडक्शन क्या है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको बोला रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और जिसका रिडक्शन हो रहा है रिड्यूस सब्सटेंस यानी कि वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर उसको ऑक्सीडेंट बोलेंगे। उसके बाद जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको ऑक्सीडाइज सब्सटेंस बोलते हैं, और उसी का नाम होता है रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके लिए ये एग्जाम्पल हमने लिया। तो आप दूसरा एग्जाम्पल इसी के लेते हैं कि जैसे कॉपर ये हमारा ऑक्साइड बन गया, ये कॉपर ब्लैक हो गया, ब्लैक कलर का सब्सटेंस हो जाता है। लेकिन अगर इसी में हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं इसी सब्सटेंस में, तो ये हमें फिर से कॉपर मिल जाता है और क्या बन जाता है, H2O बन जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान देना है, तो ये इसलिए बता रहे हैं, यहाँ पे ब्लैक कलर था, यहाँ पे ब्राउन कलर में टर्न हो गया है। तो क्वेश्चन में पूछता है आ सब्सटेंस एक्स, इस तरह से इस क्वेश्चन पूछ लेता है, सब्सटेंस एक्स विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्लैक कलर कंपाउंड विच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन फर्दर टर्न्स टू ब्राउन कलर। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है। तो ये बताया यहां पे अगर आप देखें, यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे रिडक्शन हो जाएगा और यहां पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये याद रखना है, ऑक्सीडेशन कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसमें क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हो गया क्योंकि इससे ऑक्सीजन हट गया है। तो इसका रिडक्शन हुआ है इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर हम और भी एग्जाम्पल ले लें, ZnO+C गिव्स आउट Zn+CO, तो यहां पर भी आपको याद रखना है, यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजन इसका रिमूव हो गया, जैसे इसमें रिमूव हो गया तो यहां पे इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन इसने गेन कर लिया है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको पहचानना है। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन आप पहचान लेते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आप अच्छे से पहचान लेंगे। तो इसी तरह से तीनों रिएक्शन में आपको ये बताना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूस सब्सटेंस है, कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। फिर से याद रखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड होता है रिएक्टेंट होता है हमारे, वही ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होते हैं, वही रिड्यूस सब्सटेंस होते हैं।
प्रोडक्ट वाले ना तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस होते हैं ना तो रिड्यूस सब्सटेंस होते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कई बार ट्राई करना है, तब ये आपकी प्रैक्टिस सही आ पाएगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो वीडियो देख रहे हैं, तो उसको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।